नमस्कार प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं अग्रिमा जादौन और खबर मध्य प्रदेश भिंड से है। मध्य प्रदेश के उपचुनाव जिला भिंड में गोहद में गांव विधानसभा में क्या हुआ घटनाक्रम, इस सारे कवरेज में कहां क्या हुआ जाने हमारे ब्यूरो रिपोर्टर इमरान अली खान के साथ। मतदान भारत देश के संविधान में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए एक स्तंभ है, जिसको आमजन के सहयोगी से प्रजातंत्र को मजबूत बनाने की प्रक्रिया को मतदान कहा जाता है। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर हो रहा उपचुनाव, जिसमें अपनी अपनी किस्मत का दावा करने वाले 319 प्रत्याशी मैदान में आए हैं। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, निर्दलीय अन्य दलों ने भी अपनी भागीदारी इस चुनाव में पूर्ण की, जबकि जनता के बीच और सरकार के बीच मात्र एक ही मुद्दे पर मतदान किया गया है। क्या कांग्रेस पार्टी की सरकार की योजना ठीक थी या भारतीय जनता पार्टी की योजना, इन मुद्दों के बीच आम जनता को निर्णय लेना है, जिसका चुनाव अब लोकतंत्र का उत्सव मनाकर पूरा करना था। चुनाव आयोग के द्वारा लोकतंत्र की इस प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए मध्य प्रदेश में सभी जगह आदर्श आचार संहिता कायम कर शांति की अपील की गई, लेकिन कुछ जगह प्रशासन के तेज तर्रार अधिकारियों ने विशेष पैरामिलिट्री फोर्स तो कहीं बीएसएफ के जवान तो कहीं एसएफ के जवानों को तैनात कर मतदान संपन्न कराया, लेकिन चंबल संभाग में ऐसा कोई चुनाव नहीं है जिस चुनाव में अपनी रंगदारी को लेकर मतदान केंद्रों पर बूथ कोचिंग, मतदान केंद्र में तोड़फोड़, साथ ही वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अभद्र न की जाती हो। हालांकि किसी जगह से कोई भी अप्रिय घटना की खबर एवं भारी नुकसान की खबरों की पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन महगांव गोहद में इस चुनाव में जमकर प्रशासन चक्कर खाता रहा है। मध्य प्रदेश के महगांव गोहद विधानसभा क्रमांक 12 एवं 13 में चुनाव प्रक्रिया सुबह 7 बजे प्रारंभ की गई, जिसमें कोरोना गाइडलाइन का पूरा ध्यान रखा गया। साथ ही मतदाताओं को इस उत्सव पर्व में जागरूक करने के लिए शिक्षकों का भी अहम रोल रहा। गोरमी के सभी गांवों में शांति से मतदान हुआ, लेकिन ग्राम लिलोही, ग्राम महुआ की चौकी पर मतदान केंद्रों पर फर्जी मतदान करने की खबरों ने माहौल को गहमागहमी तक का तूल दे दिया और फिर मतदान केंद्रों पर विवादास्पद बयानबाजी शुरू होने लगी। ग्राम महुआ के पोलिंग बूथ पर पदस्थ महिला आरक्षण ने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पर आरोप लगाया, साथ ही ड्यूटी पर तैनात एसएफ के टीआई को धक्का मुक्की कर राइफल छीनने का आरोप लगाया गया है। ग्राम लोहिया में टीवीवी पेट मशीन की तोड़फोड़ की गई, जिसको लेकर जिला प्रशासन, जिला कलेक्टर, जिला पुलिस अधीक्षक मौका स्थल पर पहुंचे, जहां शांति कराने के बाद पुनः मतदान संपन्न कराया गया, लेकिन ग्राम के मतदाताओं ने रिपोल की मांग को लेकर गुस्सा जाहिर किया। साथ ही वीवीपैट मशीन को तोड़ने वालों के खिलाफ कार्यवाही की मांग भी की है। इस बीच जिला कलेक्टर वीरेंद्र रावत, जिला पुलिस अधीक्षक मनोज सिंह ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर बताने का आश्वासन दिया है और वीवीपैट मशीन की तोड़फोड़ करने वालों के खिलाफ कार्यवाही के निर्देश भी दिए हैं। अयामन रोन, गोहद, खिलोती, मो, दंदरोआ आसपास के गांव में शांतिपूर्ण रहा मतदान। मतदान महगांव में 68,045% हुआ, गोहद में मतदान 70,044% का मतदान किया गया है। प्राइम न्यूज 24 के लिए भिंड से इमरान अली की रिपोर्ट। बताए सर, ये क्या मामला है? यहाँ एक ईवीएम मशीन तोड़ने का मामला सामने आया। लिलोई में जो मेन कंट्रोल यूनिट है उसकी तोड़ने की शिकायत मिली है और कुछ संदिग्ध लोग आए थे, इसकी जानकारी हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं और शीघ्र इसमें जो है इनको गिरफ्तार किया जाएगा। क्या पुनः पर चालू होगा? हाँ, अभी इसके टेक्निकल असिस्टेंट आए, वो देख के बताएंगे कि आगे क्या कर रहे हैं। तब तक चलेगी, ठीक है, मुझे आगे भी काम होते। और यहाँ क्या घटना घटित हुई है? ये पोलिंग बूथ 39 लिलोई जी 12 महंगा है, यहाँ करीबन 3:15 पर मतदान शांतिपूर्वक चल रहा था जी। कुछ अज्ञात लोग आए यहाँ पर, उन्होंने सीयू मशीन को उठा करके जोर से पटका और तोड़ दी। यहाँ पुलिस फोर्स भी मौजूद था, फिर कैसे पुलिस ने मैं तो अंदर था सर जी। आपकी के सामने वो ईवीएम मशीनें टूटी है? हमारे सामने तो टूटी, मगर आए दो लोग थे करीबन जी। आप पहचानते उनको? नहीं, हम नहीं पहचानते। अच्छा, यहाँ गांव के लोगों ने क्या दोबारा मतदान किया है? नहीं किया है। क्या कह रहे हैं? वो मना कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? वो कह रहे हैं दोबारा मतदान नहीं करेंगे। दोबारा मतदान नहीं करेंगे, रिपोल की मांग कर रहे हैं। हाँ, क्या नाम है आपका? राम बाबू शाह जी, पीटासीन अधिकारी। पीटासीन अधिकारी, बताएं सर, यह क्या घटना घटित हुई है? या वरिष्ठ अधिकारियों का आमद भी हुई है, उनके द्वारा क्या आश्वासन मिला? हमको 3 बजे सूचना मिली कि दिलोई के मतदान केंद्र पर
तीन चार गाड़ियों में भर करके गुंडे आए और उन्होंने पोलिंग के अंदर घुस करके मारपीट की और ईवीएम तोड़ दी। यहाँ वरिष्ठ अधिकारी भी आए, जहाँ यहाँ वरिष्ठ अधिकारी, हमने कई अधिकारियों को फोन लगाया, एसडीएम को फोन लगाया, उन्होंने फोन नहीं उठाया, कलेक्टर को 5 बार फोन लगाया, उन्होंने फोन नहीं उठाया। उसके बाद एसपी साहब को फोन लगाया तो एसपी साहब आ गए। एसपी साहब आने के बाद ये तो वो कह रहे थे कि इसको दोबारा से मतदान कराने के लिए आप लोग सहमति दे दो। हमने ऐसे कैसे दे देंगे, जब तक जिन गुंडों ने इतना नाटक किया अगर के उनके खिलाफ एफआईआर कराइए, एफआईआर कराने के बाद पुनर्मतदान कराइए। मतलब एफआईआर की मांग कर रहे हैं जी, रिपोल की भी मांग कर रहे हैं। रिपोल तो कराना ही पड़ेगा जी। जब 40-50 गुंडे यहाँ पर आएंगे, गाँव वालों को गालियाँ देंगे, पीठासीन अधिकारी और उनके सहयोगी मारपीट करेंगे, तो वहाँ क्या आप समझते मतदान शांतिपूर्ण हो सकता है?